ब्लूप्रिंट स्टूडियो महेंद्र सर नमस्कार एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर तो आ, पूरे हम एमसीएल में बाकी ऐसी सोच है कि एमसीएल और बाकी uh, के एमसीएल के यानी अपने निसर्ग के जितने भी जीव ये सब जो है सब इंक्लूडिंग हम खुद यानी मानव हम सब लोग एक इकोसिस्टम एक में रहते हैं इकोसिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हर का जो लाइफ है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड और इसका ही अगर नेचर का बेस्ट इकोसिस्टम का हमें एग्जांपल देखना है तो वो एग्जांपल है जंगल जंगल का इकोसिस्टम हमारे पूरे जीवन का एक बेस है और जंगल के तरफ हम जब भी देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो नंबर वन पशु जो आता है वो है शेर लेकिन शेर के अलावा भी एक ऐसा एनिमल है जो जंगल का इकोसिस्टम का बेस है और वो है हाथी तो अभी आज मैं हाथी के बारे में ही आपको बताना चाहूंगी किस तरीके से हाथी इस पूरे जंगल के इकोसिस्टम का बेस है क्रक्स है पहला जो नंबर वन है कि इतना विशाल महाकाय वो प्राणी होने के साथ में वो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन होने के हिसाब से वो जंगल की हर एक जो पेड़ है पौधा है घास है उसको वो खाते रहता है और खाने के बाद में वो ऐसा पशु है कि वो पूरे जंगल के इलाके में घूमता रहता है और घूमने के वजह से उनकी जो विष्ठा होती है वो विष्ठा से वो जो बीज है वो बीज जंगल के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक पहुंच पहुंचा सकते हैं और फिफ्टी किलोमीटर के रेंज तक एक जो जंगल का पेड़ है वो दूसरे किनारे पे जा सकता है वो सिर्फ हाथी की वजह से यानी अगर जंगल का विस्तार नेचुरली होता है तो हाथी की वजह से होता है नंबर टू यानी वॉटर तो हाथी ही एक ऐसा एनिमल है पूरे जंगल में कि जो वॉटर का रिजर्वायर नेचुरली उसको जहाँ चाहे जब चाहे वो तैयार कर सकता है वो अपनी सुंड से नदी नाले का रुख मोड़ सकता है और अपनी सुंड से वो रिजर्वर भी बना सकता है ताकि जब बारिश आए तब तो वहां पे नेचुरली तालाब बन सके नंबर थ्री वो एक ऐसा आ, एनिमल है जो हैबिटेट अदर एनिमल्स के लिए अदर जीव जंतु के लिए तैयार करता है जैसे हम सबको पता होता है कि वो उसका जो वेट होता है और वो जब जमीन पे चलते हैं तो उसकी वजह से एक पूरा छाप वो जमीन के अंदर चला जाता है जिसमें जब पानी भरता है तो फ्रॉग्स या बाकी के जो भी जीव जंतु है वो उसमें अपने रहते हैं अपने एग्स ले करते हैं और इस तरीके से वो अदर जीव जंतु के लिए भी उपयोगी होते हैं लेकिन अभी हम आज, आज की जो रियल सिचुएशन है वो देखते हैं। वैसे तो हाथी करोड़ों साल से पृथ्वी पे रहते हैं उनकी कई हजार प्रजाति इस पृथ्वी पे थी लेकिन आज के मुकाम पे उनके पूरे दुनिया में सिर्फ ढाई लाख हाथी है जिस दो प्रजाति के मुकाम पे जो है वो बच गई और इससे भी कि हर दस साल में मतलब पिछले दस साल में सिक्सटी जो पॉपुलेशन सिक्सटी पॉपुलेशन जो है हाथी की वो कम हो गई और आज में सिर्फ पूरे दुनिया में ढाई लाख होने के बाद भारत में उसमें से अस्सी हजार हाथी है और ये जो है यानी इंसान और हाथी का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है और इसमें से ही एक जो स्टोरी है जिस तरीके से आज हम हाथी का इस्तेमाल या जिस सिर्फ हम हाथी को एक अपने शौक की तरह देखते हैं और जिसके वजह से पूरे दुनिया में हर दिन में सौ हाथी का शिकार होता है ऐसा एक रिलेशन है जो हमने हाथी के साथ में किया है लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी ऐसी है कि, कि किस तरीके से अगर इंसान चाहे तो एक जानवर के साथ में रिलेशन बना सकता है और वो कहानी के सिर्फ हीरो नहीं है आज हीरोइन भी है जिनका नाम है बमन और बेली जो कि तमिलनाडु के हैं इसमें अगर हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु में एक कैंप है जो कि एलिफेंट कैंप है जो आज से डेढ़ सौ साल पुराना है जहाँ पे जो हाथी भटक जाते हैं अपने जो उनका हर्ड रहता है उसे तो वहां पे लेके लेके आते हैं और उनको वहां पे रखते हैं ताकि वो फिर से वहां पे अच्छे तरीके से सेट किए जा सके लेकिन ऐसे तो बहुत सारे कैंप है और बहुत सारे लोग है जो हाथी की देखभाल करते हैं तो इनमें ऐसा क्या है जो कि बाकी सभी लोगों से डिस्टिंग्विश हुआ और उन्होंने एक मिसाल कायम की एक ह्यूमन और एक हाथी के रिलेशन की तो ये है बमन जो है वो एक परी जिसको हम माहौल दोनों भी है यानी वो हाथी को कैसे चलाना है ये भी जानते हैं और वो पेशे से की रहने वाली महिला थी। इनको कुछ ऐसा हुआ छोटा, छोटा बेबी आती है दो तीन महीने का उनको दिया गया और वो इस तरीके से जख्मी हुआ था, था उसने अपनी पूरे जीने की जो उम्मीद थी वो छोड़ दी थी लेकिन एक ही वजह थी जिसके वजह से वो फिर से जुड़ उठा वो था इस बमन और बेली का प्यार जो था उसके लिए जिस आज एक पूरा दो तीन साल का एक अच्छा जो है वो बना है और वो खड़ा हुआ है इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन एक दिन जब वो बमन अपने हाथी को नहलाने के लिए लेके जा रहा था तो उसका और उनका जो बिहेवियर था वो देखा आ, एक व्यक्ति ने जो कि पेशे से डायरेक्टर थी दैट इज कार्तिकी गुंसाल तो उन्होंने ये जो देखा और वो देख के वो इतना खुश हो गई कि एक ऐसा हाथी का बच्चा और एक इंसान वो इतना एक... एक दूसरे के साथ में खुश कैसे रह सकते हैं और यही देख के उन्होंने सोचा कि मैं इनके जो इमेजेस उसका फुटेज बना के एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी आप सबको पता होगा उसी डॉक्यूमेंट्री को इस बार हमने जो मिसाल है वो पूरे पूरी दुनिया में कायम की बिकॉज इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स उसको ऑस्कर ये पुरस्कार भी मिला है ये जो बमन बेली है उनका जो मेन मानना है जो कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखना चाहा नंबर वन कि जंगल में हम हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेस है लेकिन वो हमारे जरूरतें के लिए और हमें उसको जरूरत के हिसाब से ही यूटिलाइज करना चाहिए नंबर तो ये मानना चाहता है कि इसलिए हमें जंगल का आदर करना चाहिए तो जब भी वो जंगल में जाते हैं वो चप्पल पहन के नहीं जाते नंबर थ्री वो ये वो ये चाहते कि जिस तरीके से उन्होंने ये रिलेशन कायम किया है उनका जो नेक्स्ट जनरेशन रहे जो बच्चे रहे वो भी वैसे ही रिलेशन जंगल और जंगल के प्राणी के साथ में रखे तो एमसीएल का जो मानना है जो सोच है वो यही है कि नेचर हैज इनफ फॉर नीड नॉट फॉर ग्रिड और इसी सोच के वजह से हमने फाउंडेशन रखा है एमसीएल का तो चलिए बुलाते हैं ऐसे इंसान को जो एमसीएल के फाउंडर रचनाकार सलाहकार और शिपकार है डॉक्टर श्याम गुल थैंक यू